नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं बिहार की कुछ खास खबरों की। बिहार गया के परैया प्रखंड के मानशियावा सर्वोदय नगर में असामाजिक तत्वों ने 100 फलदार पेड़ को काटा। बिहार के गया के परैया प्रखंड के मनशियावा सर्वोदय नगर में असामाजिक तत्वों ने 100 फलदार पेड़ों को काट दिया है। ग्रामीण जनता में आक्रोश व्याप्त है। परैया प्रखंड के मनशियावा पंचायत वार्ड नंबर 5 सर्वोदय नगर में कुछ अज्ञात असामाजिक तत्वों ने लगभग 100 फलदार वृक्षों को काटकर पर्यावरण के साथ गरीब परिवार की रोटी छीन ली। बताया जाता है कि कुछ दिनों पहले इस बगीचे का देखभाल करने वाली महिलाओं ने जीविका के माध्यम से नीतीश कुमार की शराबबंदी का आह्वान पर कुछ लोगों की शिकायत परैया थाने में दर्ज कराई थी। उसके बाद थाने ने कार्रवाई करते हुए 4 दोषियों को गिरफ्तार किया था। उसी का बदला इन फलदार वृक्षों से को काट कर लिया गया है। शराब की बिक्री में शामिल लोगों ने धमकी दी थी कि तुम हमारे पेट पर लात मारी, हम भी तुम्हारी रोजी रोटी छीन लेंगे। गया से संदीप कुमार की रिपोर्ट। दारू बंद हो रहा था तो सब कोई मतलब गांव लोग सब मिल के बंद करवाए, तो वही चलते सब सोचे उन लोग कि दारू हम लोग के बंद करवा रहे तो उन लोग के भी हम मीठी मतलब रोजी उजी सब मतलब खत्म कर दें। अच्छा, तो कोई ऐसा मतलब जैसे दारू बंद कराने में आपकी क्या भूमिका थी? आजकल मतलब काल परसों रोज के सुने हैं कि मतलब धमकी दिए थे तो धमकी दिए तो वही कर दिए। उसमें क्या भूमिका निभाए थे? दारू बंद शराब बंद में आप क्या भूमिका निभाए थे? आप लोग जीविका से जुड़े हुए हैं? जीविका से जुड़े हैं। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? उमा देवी। तो उसके बाद जब आप दारू यहाँ बंद हो गया, आप नहीं बिक रहा है? 15 गो कट गए है, दारू बंद होला है तो हमारे पेड़ कट गए है, सब 5-5 बरस के है, सब फूलल अथी मंजर ले ले। तो दारू तो पहले बंद हुआ था? हाँ, एक महीना। एक महीने पहले? हाँ हाँ। कौन बंद करा था? सब पूरा अथी जीविका वाली पूरा मन में हारू गाँव के। गाँव के? हाँ। तब क्या हुआ? तब क्या हुआ, यही तो देखे था कि धमकी के भी दिया था। हाँ हाँ, हाल ही 2-4 रोज हुआ एगो कहके गेले कि हमने के दारू ए रोजी रोटी हाल तुमने बंद करे ले तो तुहनियों के जेठ बैसाख में तुहनियों के रोजी रोटी बंद करवाओ। तो एगो के 4 पेड़ आओ कट गए कल शान है। अरे हमको सब ना हम बगले में हुआ ना कि 15 पेड़ अभी कट गया। अच्छा, तत्काल में कट गया? अभी हम रात ही ने काटा। रात में कट गया? हाँ, 15 पेड़ कट गया। काची के पेड़ था? आम के। आम का पेड़ था? मालदा है, मालदा आम दशहरे था। अच्छा, वह अलावे एक महीना पहले भी काटा है पेड़। तो क्या चाह रहे हैं आप, इसका उचित निर्णय चाहते हैं होगा मैंने कार्रवाई हो? हाँ। क्या नाम है आपका? हमको सुरेश। कहाँ रहते हैं? सर्वोदय नगर। मेरा हॉस्पिटल का नाम एंजेलिना लाइफ केयर हॉस्पिटल मानपुर में है और इस हॉस्पिटल में सारी मशीनें से लैस है और इसके अलावा जनरल सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एंड मेडिसिन जो कंजर्वेटिव से सारे सुविधा के साथ एक एडवांस मशीनों के द्वारा हर चीज़ इलाज किया जा रहा है। जैसे जनरल सर्जरी में गैनी सर्जरी में कोशिश रहता है नॉर्मल डिलीवरी का ज़्यादा प्रेफर यहाँ किया जाता है। सेकंड में गरीब से गरीब मरीजों का एक कम से कम मिनिमम खर्चा में यहाँ सारी सुविधाएं दी जा रही है। साथ में इस हॉस्पिटल की तरफ से एक फ्री सेवा एम्बुलेंस सेवा दिया गया है जो घर से जाती है और घर से ला के मरीज को एडमिट करना फिर पहुँचाना, ये हमारा हॉस्पिटल की तरफ से लक्ष्य है। सेकेंड में यहाँ हर सुविधा के तहत लेप्रोटोमी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, जनरल सर्जरी, गैनी सर्जरी, एवरीथिंग यहाँ पर सारे मशीन के द्वारा किया जाता है। एंजेलिना लाइफ केयर हॉस्पिटल ये मानपुर गया में है और मेरा नाम डॉक्टर उपेंद्र कुमार, MBBS, MS, जनरल सर्जन एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन।